Welcome to this another episode with me, Arti, another college review. और इसमें मैं बात करने वाली हूँ IMI Kolkata के बारे में. अभी आई थिंक कल मेरे चैनल पे IMI भुवनेश्वर का वीडियो डाला है एंड देयर इज द स्टूडेंट, हिज नेम इज आदित्य सिंह, जिसने 15 घंटे पहले कमेंट किया है कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट IMI Kolkata. एंड वैसे तो यू नो, मैंने एक चीज देखी है when it comes to all these colleges जिनके आगे एक बड़े कॉलेज का टैग होता है कि स्टूडेंट के अंदर एक एक्साइटमेंट होता है कि यार, मतलब लेट्स से मेरा परसेंटाइल कम है या मेरी प्रोफाइल ठीक ठाक ही है तो यू नो जस्ट गो विद द फ्लो, राइट. पर ये वाला वीडियो IMI भुवनेश्वर के वीडियो से एकदम ऑपोजिट है, बिकॉज जिन स्टूडेंट से मैंने बात की है उन्होंने थोड़े नहीं बहुत ज्यादा खुलासे किए हैं इस कॉलेज को लेके. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपकी लिस्ट में ये कॉलेज है तो पूरा वीडियो जरूर देखें एंड विल गिव यू प्रोज ऑल्सो एंड कॉन्स ऑल्सो एंड यू विल बी एबल टू डिसाइड कि तुमको ये कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू नो दैट तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से, इफ यू वॉन्टेड टू कनेक्ट विद दी स्टूडेंट्स, तुम कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके तुम डिटेल्स ले सकते हो. बट अभी आई एम गोना टॉक अबाउट IMI Kolkata, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Welcome back to this episode and I'm talking about IMI Kolkata. मैं अपना कंटेंट और ये पीछे का कंटेंट बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर डिस्कस करने चाहती हूँ. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप जो गूगल पे इंफॉर्मेशन देख रहे हो वो काफी ज्यादा इन्फ्लेटेड है. अब उसकी रियलिटी चेक मैं आपको इस कॉलेज के रिव्यू के साथ, क्योंकि आई मीन द कॉलेज हैज ब्रांड वैल्यू, IMI दिल्ली का कॉलेज है, राइट. हर साल बहुत सारे बच्चे वांटेड टू गेट इनटू दिस स्पेसिफिक कॉलेज, दैट इज द सेकंड थिंग. एंड थर्ड थिंग कि यार, मतलब जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी उस स्टूडेंट से मैंने लास्ट ईयर भी इंटरेक्ट किया था, ही वॉज इन फर्स्ट ईयर, करंटली इज इन सेकेंड ईयर. देन कुछ स्टूडेंट जो पास आउट हैं उनसे इंटरेक्शन हुआ. इस स्टूडेंट के एडमिशन के टाइम पे ही वॉच्ड वन ऑफ माय वीडियोस इन ही गेट टू मी राइट एंड आई थिंक मेरा ही बात हुआ था. ही वॉज वेरी ईगर कि मुझे IMI Kolkata चाहिए बिकॉज उसका परसेंटाइल कैट का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था. आई मीन आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई सेड कि यू नो बहुत सारे दूसरे कॉलेजेस भी हैं जो तुम देख सकते हो, बट ही वॉज क्रेजी कि नहीं मुझे जाना है. अब when I just discussed the same thing with the student, तो he said कि you know, I think बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है, उनको पता नहीं होता है. अब वो जो online देख रहे हैं उसके साथ उन्हें लगता है कि अच्छा brand value है college का तो चले जाओ, but later on you realize कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं जो आई थिंक सेम नहीं होती है. एंड इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका कॉलेज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट IMI Kolkata. सबसे पहली चीज, दिस इज बेसिकली द कैंपस. कैंपस जो है वो मेन सिटी में नहीं है, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है. जितनी भी कैंपसेस हैं जहां पे रेसिडेंशियल प्रोग्राम है वो मेन सिटी में नहीं मिल सकते बिकॉज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल. वो एक प्रॉब्लम कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होती है. जो इनका कैंपस है IMI Kolkata वो 2010 में स्टैब्लिश हुआ है. देन ऑल्सो यू नो कहीं ना कहीं 13 ईयर्स ओल्ड कॉलेज है. ये इनकी कनेक्टिविटी है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है दैट इज हावड़ा स्टेशन, नियरेस्ट मेट्रो जो है हेमंता मुखोपाध्याय, द नियरेस्ट एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट. देन इसके बाद अगर हम बात करें रैंकिंग में, मैं हमेशा कहती हूँ डू नॉट चूज अ कॉलेज बेस्ड ऑन रैंकिंग बिकॉज इट इज इन्फ्लेटेड, राइट. तुम रैंकिंग तुम गूगल पे क्या सर्च करते हो, टॉप कॉलेजेस. और होता क्या है, उनमें कई सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं या फिर तुमको पता ही नहीं है कि वो रैंकिंग किस फ्रेमवर्क पे है और वहां पे तुम डिसीजन ले लेते हो. दो साल बाद यू रियलाइज बिकॉज MBA में अगर आप किसी एक एवरेज कॉलेज से भी करते हो या PGDM करते हो तो 10-15 लाख का इन्वेस्टमेंट है और वो इन्वेस्टमेंट is something what you need to see कि सही जगह हो. उनकी इंटरनेशनल कोलाबरेशन है, यूजली जितने भी इंटरनेशनल कोलाबरेशन, इसको लेके मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं किया है. इंटरनेशनल कोलाबरेशन में क्या होता है, दे हैव द स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जहां पे स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरी यू नो यूनिवर्सिटीज ट्रैवल करते हैं जो अब्रॉड में होती है, ऑप्शनल चीज होती है और इससे कहीं ना कहीं आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो IMI Kolkata 2 साल का PGDM ऑफर करता है, AICTE अप्रूव्ड है और इवन AIU है, दैट मींस इनका PGDM इज इक्विवेलेंट टू MBA. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले पिक्चर यहाँ पे आ गई, राइट. कि अभी जैसे मैंने IMI का जब वीडियो बनाया तो आई मीन माई टीम पुट कैट 80% इन द थंबनेल,
पर देर इज नो सच कट ऑफ. द सेम इज विद आईएमआई कोलकाता. दे लुक एट प्रोफाइल. ऐसा नहीं है कि मतलब किसी का भी हो जाता है बिकॉज इनका बैच साइज बहुत बड़ा नहीं है, 180 स्टूडेंट्स का है. पर ऐसा नहीं है कि कैट में मिनिमम आपका 70 होना चाहिए या 80 होना चाहिए या 85 होना चाहिए. प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन है. सिंपल सा प्रोसेस क्या होता है, आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम राइट फ्रॉम कैट, जैट, सीमैट, एटमा, मैट, जीमैट के थ्रू अप्लाई करते हो. आपका इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू में भी इनका थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो काफी आप न्याज भरा हो सकता है. 2 महीने बाद आपको डेट मिले, आप इंटरव्यू दे रहे हो, देन एक मेरिट लिस्ट वेबसाइट पे आती है एंड देन यू गेट टू नो थ्रू मेल्स कि अच्छा मेरा हो गया है. और बच्चा इंतजार करते करते इतना ज्यादा, मतलब मैं आपको जिस स्टूडेंट से मैंने इंटरेक्ट किया उसका हुआ क्या कि अप्लाइड फॉर द कॉलेज राइट. एक तो इंटरव्यू काफी लेट हुआ. अब हम ये सोच रहे हैं कि मैंने फॉर्म भरा है, पता नहीं मुझे कॉल भी आएगा नहीं आएगा. अब आपको जब 1.5-2 महीने बाद कॉल आता है तो आपके मन में बैक ऑफ द माइंड ये बन गया कि अच्छा ये कॉलेज तो अच्छा है यार, इन्होंने ऐसा नहीं है. क्योंकि यूजुअली बाकी सारे जो कॉलेजेस आप एवरेज कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो दे डू इंस्टेंट प्रोसेस. सेकेंडली आपने इंटरव्यू दिया फिर महीनों तक राइट आप वेट कर रहे होते हो कब सिलेक्शन आएगा, कब सिलेक्शन आएगा, कब सिलेक्शन आएगा. और उसमें भी आपको लगता है यार सिलेक्शन प्रोसेस इतना डिफिकल्ट है. कुछ स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट मिल जाती है जो भले बाद में क्लियर हो जाती है, पर इससे क्या होता है हाइप क्रिएट होता है. और हाइप में क्या होता है, जब आप उसको आपको उस कॉलेज का ऑफर लेटर आता है आप ना नहीं कह पाते हो, आप अपने अपना दिमाग नहीं चला पाते हो. कई बार ऐसा होता है ना कि आप देखते हो कि ऐसी सिचुएशंस बन जाती है कि आप सही नहीं कर पाते हो, यू गो विद द फ्लो. तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन प्रोसेस में भी सेम प्रोसीजर होता है. जो सेम प्रोसीजर है ये तो हमें उतना ज्यादा नहीं है. प्लेसमेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट ने बोली है जो मैं आगे डिस्कस करूंगी. बट उससे पहले अगेन आई एम टेलिंग यू, यू आर मेकिंग अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. आई नो ब्रांड का थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है बट इट्स नॉट ओनली ब्रांड राइट. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स तुमको देखना है दैट वेयर यू स्टैंड राइट. और उसके हिसाब से कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना है. नहीं शॉर्टलिस्ट करोगे तो कुछ केसेस में स्टूडेंट्स रिग्रेट कर रहे होते हैं, कुछ केसेस में यू नो अब रिग्रेट करने का कोई फायदा भी नहीं रहता है. तो अगर कोई भी हेल्प तुम्हें लगती है, तुम्हें लगे आई एम मार्केटाइजिंग दिस प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, बिकॉज मैंने बहुत सारे कमेंट्स में देखा है कि आप बहुत बोलते हो पर ये इंपॉर्टेंट है राइट. बिकॉज मैं जितनी वीडियोज देख रही हूँ, मैंने आई थिंक IMI का एवरेज पैकेज मल्टीपल वेबसाइट्स पे इस वीडियो को बनाने से पहले देखा है और हर जगह सेम एवरेज पैकेज है जो कॉलेज की वेबसाइट पे. अब ऐसे में तुम कैसे बिलीव कर पाओगे कि यार इसका एवरेज पैकेज जो है वो इन्फ्लेटेड है राइट. तो दैट वॉज अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. प्रोग्राम आउटकम्स बहुत सारी चीजें हैं जो ये बोल रहे हैं. फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 14,50,000 का फीस स्ट्रक्चर है. ये उन्होंने मेंशन किया है क्योंकि दे हैव कैंपस, रेसिडेंशियल कैंपस. जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी ही सेड दैट नियर अबाउट, ये 24 बैच का स्टूडेंट्स का सिंपल है कि 13 लाख का फीस स्ट्रक्चर था और उसके ऊपर 4-5 लाख का हॉस्टल कहीं ना कहीं पड़ जाता है. और ये फीस स्ट्रक्चर मुझे लगता है 24 से 22 से 23 में इंक्रीज हुआ है और अभी और इंक्रीज होगा. तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोग्राम है. कोलकाता में स्टूडेंट्स के पास IAS WBM है अगर वो स्पेसिफिकली कोलकाता के हैं, IIM कोलकाता है, कई प्रैक्सिस रखते हैं, ग्लॉक्सन रखते हैं. तो सो मेनी कॉलेजेस ऑल इन ऑल. कहीं का इन्वेस्टमेंट कम है, किसी का ज्यादा है. कोई बच्चा ROI देख रहा होता है, कोई ब्रांड देख रहा होता है. अब यहाँ पे मेन पिक्चर है कि तुम्हें आउट ऑफ द ब्लू मतलब इतने सारे ऑप्शंस में किसको पिक करना है, या फिर अगर तुम किसी दूसरे लोकेशन के हो तो उस केस में तुम्हें दिल्ली जाना चाहिए, पुणे जाना चाहिए, या फिर तुम्हें ब्रांड के लिए कोलकाता जाना चाहिए राइट. सो दैट वाज अबाउट द फीस स्ट्रक्चर. हॉस्टल फीस में दे हैव मेंशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे ये उन्होंने मेंशन किया है 14,50,000 से फीस है. हॉस्टल उन्होंने अलग से मेंशन किया है कि 1,75,000 एग्जीक्यूटिव सिंगल ऑक्यूपेंसी, ट्विन शेयरिंग AC 1 लाख राइट. देन उसके बाद आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है तो आप 15 लाख मिनिमम टू मिनिमम 17-18 लाख आप इन्वेस्ट करोगे इफ यू गोइंग टू IIM कलकत्ता व्हिच इज एक्सपेंसिव फॉर श्योर राइट. नाउ कैंपस लाइफ में क्योंकि बड़े कैंपसेस होते हैं तो यू फाइंड एवरीथिंग राइट. देर आर क्लब्स, देर आर कमिटीज, देर आर लाइक क्लासरूम्स, जिम्स रहते हैं, सारी चीजें रहती हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि अरे यार मैं कहाँ आ गया. नाउ मेन चीज जो कॉलेज की है दैट इज प्लेसमेंट. मैं फैकल्टीज पे पहले डिस्कस कर लेती हूँ. मैंने जितने कॉलेजेस के स्टूडेंट से बात की है उन सब ने ये कहा है दैट फैकल्टीज अच्छे होते हैं, बट ये एक लौता कॉलेज है. अभी इस साल इस 23 के रिव्यूज में द स्टूडेंट्स ने कहा कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फैकल्टीज. काफी फैकल्टीज अच्छे थे बट उन्होंने छोड़ दिया. हम जो नए फैकल्टीज आ रहे हैं
वो काफी ज्यादा अच्छे नहीं है. एक वर्ड यूज किया था स्टूडेंट ने, आई डोंट नो मुझे यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ फैकल्टीज तो छप रही है, राइट. आई मीन आई वाज लाफिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट अगेन दिस फीडबैक इज बीइंग गिवन बाय स्टूडेंट्स, सो बेस्ड ऑन दैट आई एम सेइंग, राइट, बिकॉज आई एम नॉट स्टडिंग एट द कॉलेज. ये सारे स्टैटिक्स हैं जहां पे सबसे पहले एवरेज पैकेज ये कॉलेज क्लेम कर रहा है 10,65,000 का, जो कि स्टूडेंट के हिसाब से बिल्कुल नहीं है. स्टूडेंट के हिसाब से लास्ट ईयर का एवरेज पैकेज 7.5-8 लाख से ज्यादा का नहीं है, और उसमें भी कई बच्चे अनप्लेस्ड रह गए. मैं बैच साइज जैसे मैंने बोला 180, जो 22-24 वाला बैच है उस बैच में 220 बच्चे थे, बाकी 23 वाला बैच, राइट, 21-180 स्टूडेंट्स का इनटेक है, राइट. उसके अलावा 10,65,000 क्लेम कर रहे हैं एज पर स्टूडेंट, 7.5-8 लाख से ज्यादा का एवरेज पैकेज नहीं है. अब ये तो दूसरी चीज है, स्टूडेंट ने ये भी कहा कि यू नो सिर्फ 20% बच्चों का अच्छी कंपनीज में होता है, बाकी 80% मेजॉरिटी सेल्स प्रोफाइल है, जिसमें कई सारी कंपनीज आती हैं, बैंक्स आते हैं, जो बेसिकली आपको कॉल करके यू नो इंश्योरेंस बेचने का कहते हैं, जो कि थोड़ा सा ज्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री है. एक स्टूडेंट जो कि 15-16 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है अपनी एमबीए के लिए, जैसे मैं अगर 24 बैच का प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुका है, कई सारी अच्छी कंपनीज भी आई हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेलॉइट आई है 8 लाख का पैकेज, पीडब्ल्यूसी आई है 6 लाख का पैकेज. पर स्टूडेंट का यह भी कहना था कि ये पैकेजेस भी काफी इन्फ्लेटेड है, बिकॉज स्टूडेंट्स ने मैनेजमेंट से ये बोला कि एवरेज पैकेजेस काफी कम आ रहे हैं. जैसे पीडब्ल्यूसी है 6 लाख का है, बट फिक्स जो है वो 4.5 है एस वेन वी आर इन, बाकी वेरिएबल है. देन उसके बाद हर पैकेजेस के साथ सेम सिचुएशन है. ग्रैंड थॉटन आई थी 10.5, आई थिंक ग्रैंड थॉटन काफी बच्चों को लेके गई है, 10 स्टूडेंट्स 10.5 लाख के पैकेज पे, राइट. देन उसके बाद आईसीआईसी बैंक आई थी, जहां पे आपको इंश्योरेंस बेचना था, स्टूडेंट्स को फोर्स किया गया दैट यू हैव टू सिट फॉर द प्लेसमेंट, बिकॉज उनको प्लेसमेंट कराने थे, राइट. इंटरव्यू, एक अच्छी चीज बस ये है कि इस साल जैसे इंटरव्यू के टाइम पे आईएमआई दिल्ली भी इन्वॉल्व होगा, बट हर कॉलेज का जो प्लेसमेंट सिचुएशन है वो उसको ही कहीं ना कहीं देखना है. उसमें ऐसा नहीं है कि आपको आईएमआई दिल्ली हेल्प कर देगा कि अच्छा मैं आपका प्लेसमेंट करा देता हूँ. अभी बर्केडिया आई थी 11 लाख का पैकेज 2 स्टूडेंट्स को लेके गई है, इफको आई है 12 लाख, आई थिंक ये स्टूडेंट का कहना था कि वो स्टूडेंट का भी कुछ थोड़ा सा रेफरेंस था, एक स्टूडेंट लेके गए है, ये 24 बैच के लिए अभी तक का हाइएस्ट पैकेज है. कई सारी कंपनीज बीटेक स्टूडेंट्स को प्रेफरेंसेस देती है, जहां पे नॉन बीटेक स्टूडेंट्स नहीं बैठ सकते, जैसे कि फॉर एग्जांपल बर्केडिया इफको, इसमें यू नो बीटेक के अलावा स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं थे. केपीएमजी ईवाई पहले आता था, बट पिछले 2 साल से ना 23 के लिए आया है और ना ही 24 के लिए अभी आया है. मारिको सेल्स, कोका कोला, आईटीसी, बर्जर पेंट्स प्रॉपरली सेल्स प्रोफाइल है, 12 लाख का पैकेज लेकर आती हैं, बट 8 लाख ही फिक्स होता है, बाकी वेरिएबल होता है, राइट. तो स्टूडेंट्स का थोड़ा सा ये रहता है कि यू नो वी केम टू कंप्लीट आवर पीजीडीएम, बिकॉज हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, हमको अमन एक अच्छी प्रोफाइल पे जॉब करनी है, एक अच्छे पैकेज पे, स्पेशली जब आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. और उसमें सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि जब आप देखते हो कि उसी सिटी में जो छोटे कॉलेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ग्रैंड थॉटन है, ये दूसरे कॉलेजेस में भी आई है कोलकाता में, और इवन वहां पे 12 लाख का पैकेज स्टूडेंट्स को देके गई है, तो आपको लगता है यार आपने एक तो ब्रांड के चक्कर में इतना इन्वेस्ट किया, और यहाँ पे यू नो इवन इनमें से मैंने कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके अच्छी कंपनीज में हुए, बट जब अपने बाकी दोस्तों को देख रहे होते हैं और बाकी फ्रेंड्स को देख रहे होते हैं, तो उनको ऑल इन ऑल ऐसा लगता है कि यार आई एम नॉट सैटिस्फाइड. स्टूडेंट ने बोला दैट अमन अगर आप मुझसे पूछे तो इट्स नॉट अ वर्थ ऑप्शन व्हेन इट कम्स टू आईएमआई कोलकाता. एंड ऑल्सो इंटर्नशिप को लेके दे सेड दैट यू नो सब सेल्स प्रोफाइल आती हैं, और जो जो इंटर्नशिप का स्टाइपेंड होता है वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है. मतलब सिंपल सी चीज है, कंपनी को आपको कुछ पे ही नहीं करना. अगर आप 1 करोड़ की सेल्स करके दे रहे हो तो आपको 10 लाख दे देगी, आप 1 लाख की सेल्स करके दे रहे हो तो आप 10,000 रुपए दे दोगे. तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं है. तो एवरेज पैकेजेस इन्फ्लेटेड हैं, कई सारे बच्चे जैसे 2023 में भी कुछ बच्चे अनप्लेस्ड रहे हैं. स्पेशली जो बच्चे सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हैं दैट इज विद द प्रोफाइल्स, कि उनको जानबूझ के ऐसी कंपनीज में बैठना पड़ता है जहां पे प्लेसमेंट सिचुएशन या प्रोफाइल्स उतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती. आप किसी कंपनी में लेट्स से 12 लाख सुन के अप्लाई करते हो, लेटर ऑन यू रियलाइज कि अच्छा ये फिक्स तो 8 ही लाख आपके हाथ में 50-55 हज़ार रुपए ही आ रहा है. तो ये सारी चीजें हैं विच इज बींग सेड बाय स्टूडेंट. यहाँ पे जो आप कॉलेज की वेबसाइट पे या फिर बाकी दूसरी वेबसाइट पे प्लेसमेंट का सिचुएशन देखोगे वो ऑल टोटल डिफरेंट है. एंड दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से जो दिखता है वो इसलिए दिखता है ताकि वो बिक सके, पर रियलिटी हो सकता है वेरी करे. तुम अपना पैसा लगा रहे हो, तुम्हें सिर्फ ब्रांड नहीं देखना है, तुम्हें बहुत सारी चीजें देखनी है, एंड देन कहीं ना कहीं कंक्लूड करना है, राइट. एंड
प्लेसमेंट्स के बाद अगर हम बात करें तो ये और भी कई सारी चीज़ें हैं, एवरेज प्री एमबीए, एवरेज सीटीसी पोस्ट एमबीए, आई मीन देयर सो मेनी थिंग्स। फ्रेशर्स के लिए 10.36 बोल रहे हैं, बट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। एनालिटिक्स, ऑपरेशन एंड सबसे ज़्यादा कंपनी सेल्स की हैं, जो थोड़ी सी डिसेंट प्रोफाइल्स हैं वो बैक कॉलेज के सिर्फ 20% बच्चों तक ही लिमिटेड है, बाकी फाइनेंस वाले बच्चे इनटू गोइंग इनटू सेल्स, मार्केटिंग वाले इनटू सेल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ जो कॉलेज क्लेम कर रहा है। अगर आप खुद उनकी वेबसाइट पर भी जाके देखोगे तो आपको लगेगा वाओ कितना अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज जो बच्चे का लेट्स से 50% आई ले या 40% आई ले 60% आई ले, अब वो सोच रहा है कि यार मैं बाकी सारे कॉलेजेस पुणे दिल्ली में या मुंबई में देख रहा हूँ, उनके एवरेज पैकेजेस मुझे 6.5-7 लाख के मिल रहे हैं। मैं दूसरी तरफ एक कॉलेज है जो कि मुझे 10 लाख का पैकेज 11 लाख का पैकेज दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है कि यार आई मीन इट्स अ गुड ऑप्शन, और उसी एक्साइटमेंट में वो अपना दिमाग चलाना भूल जाता है और कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो ऑल टोटल डिफरेंट हो जाती है। देन उसके बाद हम हाईलाइट रोल्स उन्होंने मेंशन किए हैं, मैं आपको सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, ये सारी कंपनीज हैं विच कम फॉर द प्लेसमेंट, एंड आई थिंक मैंने जो स्टूडेंट ने भी बोला वो भी आपको बताया। फैसिलिटीज सारी हैं कॉलेज के अंदर, कई सारी चीज़ें, कई सारे इवेंट्स भी होते हैं, फैकल्टीज भी पहले काफ़ी अच्छी थी बट अभी थोड़ा सा यू नो क्योंकि I mean they're switching and it's changing, तो जो recent faculties हैं वहाँ उसको लेके थोड़ा सा student satisfied नहीं है। All in all सबसे ज़्यादा placements को लेके जिसके लिए student colleges जाते हैं ये clubs हैं, finance, marketing, HR, operation, entrepreneurship, dance, music and nearby hangouts, Alipore Zoo, Victoria Memorial, South City Mall, National Library, प्रिंसेप घाट, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। आई थिंक आप कंक्लूडेड आपको ये कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आई थिंक आई मीन यू नीड टू डिसाइड, इफ यू नीड एनी हेल्प प्लीज फिल द फॉर्म विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और एक रिक्वेस्ट है आई मीन कि शेयरिंग इज केयरिंग, राइट? कई बच्चों को हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन ना हो, तो जितना आप शेयर करोगे उतना उनकी हेल्प होगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक।